दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एक्सियम चार्जर को रिपेयर करेंगे और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका ये 30% लाइट जल रही है और चार्जिंग एलईडी नहीं जल रही है और फैन भी नहीं चल रहा है और ये चार्जिंग भी नहीं कर रहा है। तो इसका मैंने पूरा प्रॉब्लम वगैरह सब फाइंड आउट कर लिया है, क्या है क्या नहीं है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको सीधे पॉइंट पे बात कर सकूँ मैं। इसमें दोनों मॉस्फेट ख़राब थे, ये भी देख सकते हैं, इसको दिखाऊं, ये भी दोनों ख़राब हैं जो पीटीसी है और इधर ये अपना ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी ख़राब है। तो ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और ये रिप्लेसमेंट। तो इसको चेंज करेंगे। ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका मॉस्फेट ख़राब हो इस कंडीशन में, दिख रहा है ये फटा हुआ है बिल्कुल। जब मॉस्फेट ब्लास्ट होता है, मॉस्फेट इस कंडीशन में जब फटता है या ख़राब होता है या शॉर्ट होता है, तभी ड्राइवर सेक्शन में कुछ और प्रॉब्लम आती है, वरना 90% कुछ और ख़राब नहीं होता है। अगर मॉस्फेट इस तरह से ख़राब हो, मीन्स कि बिल्कुल फ्रेश, अगर बिल्कुल फ्रेश मॉस्फेट ख़राब होता है, कहीं से फटा कटा या किसी तरह कुछ डैमेज नहीं है, तो नॉर्मली ड्राइवर ख़राब नहीं, ड्राइवर सेक्शन में कुछ ख़राबी नहीं आती है, लेकिन एक बार चेक करना ज़रूरी है। मैंने इसको पूरा चेक कर लिया है, चेक करने में मुझे ये ड्राइवर ख़राब मिला, ये दोनों ख़राब हैं और मॉस्फेट ख़राब है। तो इसमें हम मॉस्फेट रिपेयर चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और ड्राइवर ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे और देखेंगे ज़िनर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी चेंज करेंगे। ज़िनर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ज़िनर होता है, ये यहाँ पे ये ज़िनर है, ये ज़िनर है, ये दोनों ज़िनर में भी दिक्कत आ सकती है, इनको ज़रूर चेक कर लें, अगर ये शॉर्ट हो तो चेंज कर दें इसको। उसके अलावा एक यहाँ पर लगा होता है प्रोटेक्शन फ्यूज़ कह लीजिए, प्रोटेक्शन डायोड की तरह होता है लेकिन प्रोटेक्शन फ्यूज़ होता है, प्रोटेक्शन फ्यूज़ की तरह लगा होता है ये, इसको भी चेक करना चाहिए, अगर शॉर्ट हो तो चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका ड्राइवर चेंज करेंगे और बाकी इसके ये मॉस्फेट लगा के इसको चालू करेंगे। बाकी सेक्शन भी हमने चेक कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ओके है, तो इसको लगाते हैं। इसको लगाते समय इसकी ओरिएंटेशन का ध्यान रखें कि कौन सी साइड प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। तो जैसे इसमें ये साइड इसकी सेकेंडरी है और ये साइड प्राइमरी है, तो प्राइमरी को प्राइमरी की तरफ करेंगे और सेकेंडरी को सेकेंडरी की तरफ। इसका होल ये बंद है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चला गए हो, कहाँ हो चला गए, पकड़ो पकड़ो, नहीं होगी,
ड्राइव चेक कर लेते हैं इसको ऑन करके। दोनों ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आउटपुट को चेक करते हैं एसी वोल्टेज पे। ये 0.6 वोल्ट दिखा रहा है, पुराना वाला जो इसका ओरिजिनल है ये 0.6 दिखा रहा है, और ये जो अभी हमने रिप्लेस किया है इसमें सारे कंपोनेंट चेंज कर दिए हैं, दोनों मॉस्फेट, दोनों ड्राइवर, और यहाँ सब कुछ चेक कर लिया, ओके है। मॉस्फेट की एक टैपिंग हमने जो ट्रांसफार्मर है इसकी टैपिंग हमने यहाँ से ओपन कर ली। ओपन करने के बाद में अब इसको चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं है। ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन पहले मैं नहीं किया, भूल गया। तो अब इसको चेक करेंगे। दोनों ट्रिबल पे इसके लगाया और पे मीटर से अब इसको चेक करेंगे। .54 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस, तो ये ट्रांसफार्मर ठीक है। आप सोल्डिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, दिखाता हूँ सोल्डिंग आपको। एकदम क्लीन, बस इसको अब टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो चार्जर ऑन हो चुका है, तो रिपेयर ये सक्सेसफुल हुआ। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट भी करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।